इसी बीच अगली बड़ी खबर पर रुख करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज होगी। बता दें कि अब से कुछ ही देर में बैठक राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी, जहां पर बैठक में सीएम के द्वारा गणतंत्र दिवस पर की गई घोषणाओं का अनुमोदन होगा। इसके अलावा बजट पर भी मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। बताते चले कि सरकारी दफ्तरों में 5-डे वीक के प्रस्ताव को भी इस बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। वहीं दोपहर 1 बजे राजीव भवन में आयोजित PCC की बैठक में भी शामिल। बताते चले कि दोपहर 2:10 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से बालोद जिले के लिए गुरु रवाना होंगे। तो इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सीनियर संवाददाता आकांक्षा जुड़ चुकी हैं। जी आकांक्षा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, विस्तार से बताइए। आज मुख्य रूप से कैबिनेट की एक अहम बैठक रखी गई है मुख्यमंत्री निवास में। अब से कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, जिसमें तमाम जो मंत्रिपरिषद के साथी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। मूल रूप से देखा जाए तो बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर की चर्चा होनी है। बजट में कौन कौन से प्रावधान लागू किए जाए, किस प्रकार की योजना बजट में इस बार आएंगी, क्योंकि देखिए सरकार का ये बजट होगा तो आम जनता के लिए किस प्रकार की योजना इसमें सम्मिलित होनी चाहिए, इन तमाम विषयों को लेकर के पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल के साथियों से चर्चा की है। और उसके बाद आज अंतिम स्वरूप में इस बैठक में मुहर लगाई जाएगी कि कौन कौन सी योजनाएं बजट के माध्यम से लाई जानी है। इसके अलावा जो वर्तमान में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों के लिए जो तमाम घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को भी यहाँ पे अमल में लाया जाएगा। यानी कि जो घोषणाएं की गई थी उसके जमीनी स्तर पर किस प्रकार से उसके लिए योजनाएं बनाई जानी है और वो योजनाएं किस प्रकार से जनता के लिए पहुंचाई जानी है, तो इन तमाम विषयों को लेकर के भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। आगामी 3 फरवरी जो कि सरकार की एक अन्य महती योजना जिसकी शुरुआत होने जा रही है, राहुल गांधी स्वयं आकर के जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, मजदूर किसान योजना, जिसके माध्यम से जो प्रदेश के ऐसे भूमिहीन मजदूर जिनके पास किसी प्रकार की भूमि नहीं है और उन्हें एक सहायता राशि के रूप में 6,000 की राशि प्रतिवर्ष देने की जो घोषणा है, उनकी तैयारियों का भी तैयारियों की समीक्षा और किस प्रकार से वो कार्यक्रम संपन्न होना है, ऐसे तमाम अलग अलग विषय होंगे जिसके माध्यम से ये चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा सत्र में और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं और जिस प्रकार से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है तो उसमें किस प्रकार से जवाबदेही मंत्रिमंडल के साथियों को करनी है, तो ये तमाम विषय होंगे जिसकी कैबिनेट में आज चर्चा होगी। जी जी आकांक्षा, यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की किन महत्वपूर्ण और अहम योजनाओं पर इस बजट के दौरान बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए पहले ही बताया मैंने कि जो घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई है, कृषिहीन भूमिहीन जो किसान है, ऐसे मजदूर किसान, भूमिहीन किसान जिनके लिए घोषणा की गई है प्रतिवर्ष उन्हें 6,000 की राशि दी जानी है, ये इसकी शुरुआत अभी 3 फरवरी को राहुल गांधी के द्वारा की जाएगी। तो ऐसे में किस प्रकार से वो योजना जनता तक पहुंचेगी, वो मजदूर जो चिन्हांकित किए गए हैं, भूमिहीन किसान जो चिन्हांकित किए गए हैं, तो उन तक ये राशि 3 अलग अलग किस्तों में पहुंचाई जानी है। ऐसे में वो किस्तें किस किस दिनों में पहुंचाई जाएगी, किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी, तो ऐसे तमाम विषय होंगे जिसके माध्यम से चर्चा होगी। इसके अलावा अनेक अन्य योजनाएं हैं जिसके माध्यम से लोगों तक जुड़ाव सरकार का होना है, तो ऐसे तमाम विषयों को लेकर के कैबिनेट में मुहर लगती नजर आ सकती है। जी जी आकांक्षा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बता दें कि बैठक सुबह 11 बजे राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी।